थ एंड ट्वेल्थ बच्चों टर्म वन हो चुका है और टर्म टू में अभी थ्री मंथस का गैप है तो हम मिल रहे हैं जीरो आर में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी गेम को जितनी जल्दी हो सके आप ग्रिप में ले लें तभी आपको आगे सक्सेस मिलेगी जितना आप टाइम कम करते चले जाएंगे उस गेम को ग्रिप में लेना मुश्किल होता चला जाएगा इसलिए ये वीडियो में आज इस वक्त बना रही हूं क्योंकि जो स्ट्रैटेजी तीन महीने में का, काम करेगी वो फिर धीरे धीरे दो महीने रहेंगे फिर एक महीना रहेगा फिर वो काम नहीं करेगी तो लेट्स टॉक अबाउट कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टर्म टू बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एंड अगर हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से करनी चाहिए तो लेट्स गेट बैक लेट्स गेट बैक टू स्टडीज नाउ बच्चो स्टडीज के लिए मैंने क्यों लिखा लेट्स गेट बैक टू स्टडीज क्योंकि अभी ना बच्चे ये सोच रहे हैं काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम बहुत अच्छे हुए कुछ ऐसे भी हैं जिनके एग्जाम अच्छे नहीं हुए लेकिन पॉजिटिव सब है सबको लग रहा है कि हम टर्म टू में फोड़ेंगे लेकिन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो आप किस समय स्टार्ट करते हैं वो बहुत वैल्यूएबल होता है मेरी नजर में जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना ही अच्छा होगा इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं लेट्स गेट बैक टू स्टडी अब जब हम टर्म टू की तैयारी करेंगे तो क्या क्या चीजें हैं जो हमको फुली फोकस करके रखनी है Ncert Ncert एनसीआरटी भगवान है हमारे लिए हर चीज Ncert की पढ़नी है और लाइन टू लाइन रीड करनी है और ये हम जीरो थावर में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी पॉसिबल है तीन महीने सात चैप्टर मेरे केमिस्ट्री में तो फिजिक्स मैथ्स में भी इतने ही होंगे अराउंड तो जब आपको पर सब्जेक्ट थ्री मंथ्स में सेवन चैप्टर करने हैं। और अगर आप टारगेट कि हम मंथ्स में सिलेबस हमारा कंप्लीट करेंगे ताकि लास्ट के मंथ में हम या अपनी वीकनेसेस पे फोकस करेंगे तो यार तीन से चार चैप्टर तो एक महीने में आराम से होते हैं आप ल, की लाइन तो लाइन टू पढ़ सकते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सब एनसीआरटी में से आता है पेपर चाहे जेई मीन हो चाहे नीट हो तो एनसीआरटी भगवान है और एनसीआर पढ़ना स्किप नहीं करना कहीं लिख लो कहीं नोट बना लो कि वी विल नॉट से दैट द चैप्टर इज कंप्लीट जब तक हमने एनसीआर की अच्छी सी रीडिंग नहीं की हो अब एनसीआर की रीडिंग कैसे करनी है हमको बस हम यूं फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और पेजेस पलट रहे हैं नो no. आप सेशन अटेंड से करते हैं जिस एडुकेटर को आप फॉलो करते हो सपोज आप मुझे फॉलो करते हो तो मैं आपको चैप्टर के वक्त बताती हूं कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है और इसमें से सवाल आता है इसकी ये बात इंपॉर्टेंट है इसकी वो कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है इसमें वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो जो चीजें मैं या मेरे जैसे कोई भी मेरे फेलो एडुकेटर्स आपको बता रहे हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हो एनसीआर रीडिंग करते वक्त आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे साथ ही साथ हाइलाइटर से वो पॉइंट्स भी हाईलाइट करेंगे जो शायद आपके टीचर ने आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोला पर आपको लग रहा है कि वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उसको भी हाईलाइट करेंगे आप चाहे तो डुअल कलर से हाईलाइटिंग कर सकते हैं कि ये येलो शेड उसके लिए है, जो हमारे टीचर्स बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ब्लू शेड उसके लिए जो कि मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है टीचर्स ने नहीं बोला पर मुझे लगता है इसमें क्वेश्चन आ सकता है ठीक है तो आप हाईलाइटिंग प्रॉपर करें ताकि फ्यूचर में जब आपको एनसीआर रिवाइज करनी हो तो आप सिर्फ पॉइंट्स को भी रिवाइज करके वो कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो कि हाँ एनसीआरटी हमने एक बार और रिवाइज कर ली फर्स्ट रीडिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए जिसमें आपकी हाईलाइटिंग होनी चाहिए और अगले रिविजन जब जब आपके एनसीआर टी होंगे सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स आप रिपीट कर सकते हो तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी एनसीआरटी है जितना आप अच्छे से एनसीआरटी पढ़ेंगे आपके लिए वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी बेटा एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि हमने पूरी इलेवेंथ में एमसीक्यूज सी एमसीक्यूज किए हैं ऑनलाइन एग्जाम्स दिए हैं कोविड काल में हम लोग शायद कुछ हद तक आंसर प्रेजेंटेशन भूल गए हैं तो आपको मेरे कहने पर एक हैबिट डेवलप करनी है और वो है नोट्स मेकिंग नोट्स मेकिंग आपको अपने शेड्यूल में शामिल करना है मतलब जो भी आप पढ़ते हैं आप देखो नोट्स मेकिंग हर बच्चे की बस की नहीं होती एक तो मैं आपको बता दूं कि, कि किसी के भी नोट से आप पढ़ाई करें कोई आपकी क्लास का टॉपर है उसके नोट से आप पढ़ाई करें आपको मजा नहीं आएगा आपके नोट्स ही आपके लिए पावर बनेंगे ठीक है अब आप नोट्स हर बच्चा तो नोट्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होता कई लोग तो वही जुगाड़ू कि चलो ठीक है उससे ले आएंगे इससे लियाएंगे तो बेटा नोट्स अगर आप बहुत ज्यादा बनाने में नहीं बिलीव करते हो या आप थक जाते हो या जल्दी बोर हो जाते हो पॉसिबल है ना ऐसा हो सकता है तो आप शॉर्ट नोट्स बना लो आप एनसीआर टी की हाईलाइट

अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करिए एक महीने में तीन चैप्टर के नोट्स पर सब्जेक्ट बनाना कोई बड़ी डील नहीं है ठीक है शुरुआत आपको आज से अभी से अभी करनी पड़ेगी सेकेंडली अगर आप नोट्स बनाने में ज्यादा इच्छुक नहीं है तो किसी और के नोट्स पे भरोसा करने से ज्यादा अच्छा है शॉर्ट नोट्स बना लो छोटा 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 पॉइंट पॉइंट लिख लो कहीं कोई चीज क्लासीफाई हो रही है बायोजी में क्लासीफिकेशन होते इवन केमिस्ट्री में भी कई टॉपिक्स टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं तो आप उन टाइप्स को एरो मार के ये लिख लिया ये ले लिया इनके एग्जाम्पल्स मेंशन कर लिए छोटा 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 तो आपका एक ए साइज के पेज में आपका एक

पॉइंट्स ठीक है आप डे वन से फोकस करें आपके स्कूल में भी यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं कुछ कुछ एग्जाम्स होते हैं हो सकता है आप कहीं पे रिटर्न एग्जाम देते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर्स पॉइंट्स में लिखने हैं दूसरा अंडरलाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आप अंडरलाइन करें जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब सब्जेक्टिव कॉपी चेक होती है बेटा तो एक जैसी अंडरलाइनिंग इज इंपॉर्टेंट एक जैसी हजारों कॉपीज एक एक एग्जामिनर चेक करता है तो अगर आपके लिए पढ़ना बोरिंग हो सकता है तो किसी टीचर के लिए कॉपी चेक करना भी बोरिंग हो सकता है तो ये आपका फर्क बनता है कि आप अपने द्वारा लिखे गए आंसर को उस टीचर की आंख में पहुंचा दो कैसे पहुंचाओगे करो अंडरलाइन हाईलाइट करो आपने लिख दिया यहाँ आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी ऐसा नहीं है बेटा हो सकता है आपकी लिखी गई चीज टीचर ने पढ़ी नहीं ह्यूमन से यार और ह्यूमन बींग्स आर मेंट फॉर एरर्स है ना गलतियां सब करते हैं तभी तो री होती है और कई बार री में नंबर और कम हो जाते हैं तो अपन को उस सब लफ्डे में पढ़ना ही नहीं है ठीक है हमने जो चीज लिखी हमें लग रहा है कि यार ये पॉइंट हमारे एग्जामिनर के आंख में जाना चाहिए इसके नंबर मिलेंगे आप उस चीज को क्या करो अंडरलाइन करो जैसे कि मैंने इसको अंडरलाइन किया क्योंकि मैं चाहती हूँ इस पॉइंट को ठीक से पढ़े आंसर पॉइंट में लिखे जाएंगे और आंसर को क्या किया जाएगा अंडरलाइन किया जाएगा साइंस सब्जेक्ट में आप जितना शॉर्ट लिखते हैं उतना ही ज्यादा अच्छा रहता है तो राइट इन शॉर्ट बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने आपको आपको शॉर्ट में लिखना है जितना हो सके शॉर्ट में लिखिए और टू द पॉइंट लिखिए तो साइंस में आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो ठीक है और आखिरी पॉइंट हमारा यह है कि आप जो भी चीज लिख रहे हैं उसमें आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ठीक है हैंडराइटिंग अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए देखो सबकी हैंडराइटिंग सुंदर होती है ये तो देखने वाले की नजर है ठीक है तो मैं खूबसूरत हैंडराइटिंग की बात नहीं कर रही हूं हो सकता आपको मैम मैं तो अच्छा साफ सुथरा नहीं लिखती हाँ हैंडराइटिंग साफ नहीं हैंडराइटिंग साफ नहीं है तो नीट एंड क्लीन लिखी ठीक है राइट नीटली नीटली ठीक है साफ सुथरा लिखिए तो ये चार पॉइंट्स पे आपको डे वन से जीरो आर से फोकस करना है मतलब आपको पॉइंट्स में लिखना है आपको अंडरलाइनिंग करनी है हाईलाइट करने हैं आपको शॉर्ट में लिखना है जितना उसके लंबा 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 नहीं लिखना है आंसर को और आपको नीटली लिखना है आपको दो आंसर्स के बीच में गैप मेंटेन करना है ताकि एक आंसर दूसरे आंसर से अलग आपन को दिखाई दे ठीक है तो ये सब प्रेजेंटेशन पे आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि डेढ़ साल से हमको प्रेजेंटेशन की आदत नहीं रही है सब्जेक्टिव आंसर लिखने की आदत नहीं रही है तो ये सब चीज हमको ध्यान से देखनी है टाइम मैनेजमेंट हम सुबह उठते हैं सोचते हैं आज ये कर लेंगे आज वो कर लेंगे दोपहर होते हैं सोचते हैं चलो थोड़ा कर लेंगे शाम होते होते मोटिवेशन डाउन हो जाता है रात को बढ़िया सा खाना के सोचते हैं कल कर लेंगे नहीं टाइम मैनेज करिए अपनी वीकनेस को आपसे अच्छा और कोई नहीं पहचानता आपको पता है आप कौन से आर में एक्टिव होते हैं दिन भर के और कौन से आर में आप एकदम सुस्त होते हैं तो जिस आर में भी आप एक्टिव होते हैं उस आर में आप डिसाइड करके रहिए अपने आप से प्रॉमिस करिए कि मैं आज दिन में चाहे एक घंटा पढ़ूंगा लेकिन पढ़ूंगा दो घंटे पढ़ूंगा लेकिन पढ़ूंगा और वो प्रॉमिस निभाइए दूसरे तो प्रोमिस दूसरों से किए गए प्रोमिस हम बाद में निभाते हैं पहले खुद से वादा निभाना सीखिए ठीक है तो टाइम मैनेज प्रॉपर करना है आपको पता है आप किस आर में पढ़ाई कर सकते हैं और ऐसा कुछ नहीं करें जो आपको पता आप कर नहीं सकते लेकिन आप सोचेंगे नहीं नहीं मैं कर लूंगा ऐसा नहीं हम बहुत ऑफ द ट्रैक कभी नहीं जाते तो हमको पता होता है हम कितना तो पढ़ सकते हैं और किस समय हम पढ़ सकते हैं यूं नहीं कि वैसे तो हम आठ आठ बजे उठते हैं लेकिन आज से मैं रेजोल्यूशन लेता हूं कि मैं चार से पांच पढ़ाई करूंगा अगले दिन चार से पांच उठे ही नहीं और सारा मोटिवेशन डब्बा गोल ये नहीं करना खुद को पहचानते हुए अपने टाइम को मैनेज करिए और धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट करिए चाहे दो घंटे डेली चाहे चार घंटे डेली अभी मैं मानती हूँ फोर आवर्स की पढ़ाई जो है वो सफिशियंट है एज ऑफ टूडे बट दो घंटा एक घंटा तीन घंटा चार घंटा खाली मत जाने दीजिए दिन को कि अभी तो हम एग्जाम से फ्री हुए हैं टर्म टू तो बाद में वो बाद पास कब आ जाएगा ना पता नहीं चलेगा ठीक है तो अभी से शुरू करिए टाइम को प्रॉपर मैनेज करिए and best wishes ठीक है तो ये सारी ये सारी चीजें अगर को फॉलो करेंगे तो शुरू में ही गेम आपके ग्रुप में आ जाएगा एंड आई एम श्योर आप टर्म टू में भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं मैं एफर्ट्स लगाती रहूंगी खुश रहिए हम सब साथ हैं ठीक है थीके? चलो तो अब आप मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आस्क कर आउट फीचर हमारे अनकेडमी लर्निंग ऐप पर है जहां पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं एम बी कोड यूज करके अन अडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लें तो मेरा कोर्स ट्वेंटी सेवन ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है प्लस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं होमवर्क खूब मिलने वाला है डाउट्स अच्छे से डिस्कस होंगे एनसीआर टी सारी होगी तो आप मेरे साथ अपनी पढ़ाई की जर्नी को अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कौन सा ले सकते हैं अगर आप ड्यूरेशन मुझसे पूछिए कि मैम हम कौन सा सब्सक्रिप्शन ले क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए तो एज ऑफ नाउ थ्री मंथ्स की ड्यूरेशन आपके लिए परफेक्ट है क्योंकि आपके बोर्ड्स में थ्री मंथ्स ही बचे हुए हैं बट अगर ये कोविड फैल गया तो फिर सेफर साइड पे रहने के लिए छह महीने च्रही mm. की भी ले सकते हैं तो इट्स ऑल अप टू यू एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड मास्टर ब्लास्ट कोड एम बी लाइफ फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी ये वाला कोड इक्वली वर्क करेगा आइकॉनिक में आपको डाउट uh, सॉल्विंग बहुत प्रॉम्प्टली मिलेगी ये जे नीट की सब्सक्रिप्शन चार्जेस है दिस इज द कोड एंड ये कुछ ऑफर्स हैं जस्ट हैव अ लुक एंड जस्ट यूज़ कोड एम बी लाइफ एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ताकि जितनी इन्फॉर्मेशन शुरू से ही बच्चों के पास जाएगी मेरी उतना ही मुझे लगेगा कि हाँ कर लेंगे बच्चे ठीक है सो वी विल क्रैकेट लेट्स क्रैकेट टाटा बाय बाय